एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट क्विज। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। तो हम देख रहे थे पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो चलिए एक बार इसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, किसी भी उत्पादक और उसके विभिन्न उपभोक्ताओं, ठीक है, प्रोड्यूसर और उसके कंज्यूमर्स के बीच जो उसके संख्या और उसके भार और ऊर्जा के संबंध में जो हम चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चित्र अपने डायग्राम के द्वारा उसको शो किया जाता है, उस संबंधों को, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1927 में दिया था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इस पिरामिड को आप फूड पिरामिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको फूड चैन भी इसमें शो होता है आपको, ठीक है, कि उत्पादक है आपके, प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर्स है, जो आपको शो कराते हैं, आप चित्र डायग्राम के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फूड चैन को, या फिर जो भार होता है, ठीक है, बायोमास होता है, जो नंबर्स होते हैं, संख्या होते हैं, बायो नंबर्स होते हैं, और ऊर्जा, ठीक है, इन संबंधों को हम चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के द्वारा शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट हमने देखा था, इसका जीव संख्या का पिरामिड देखा था, क्या देखा था हमने, बायो नंबर्स देखे थे हमने इसके फर्स्ट। अब आज हम पढ़ेंगे जीव भार का पिरामिड, ठीक है, जीव भार का पिरामिड। इसे हम बायोमास भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बायोमास कहा जाता है, बायोमास पिरामिड। इसमें क्या होता है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि जीव भार मतलब कि इनके बीच क्या संबंध होगा, भार में जो संबंध होगा, ठीक है, इनके भार से रिलेटेड जो डायग्राम आपको शो करना होगा वो क्या होगा, जीव भार का पिरामिड, ठीक है। इसमें क्या है, आपके जो उत्पादक हैं, ठीक है, जो ट्रॉफिक लेवल्स है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है, उसमें जो उत्पादक है, जो कंज्यूमर्स है, इनके बीच जो भार में संबंध होगा, ठीक है, इनके पूरे सकल भार को, पूरे जो भार को हम जो बायोमास को जो हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ही बोलेंगे जीव भार का पिरामिड, ठीक है, पिरामिड में जो शो करेंगे। पिरामिड मैंने आपको बताया था कि पिरामिड होता क्या है, कि जो आपने गीजा का पिरामिड पढ़ा होगा, ठीक है, आपने मिस्र का पिरामिड पढ़ा होगा, जिसमें क्या क्या होता था, जो राजकुमार होते थे, जो राजा होते थे, और अगर उनके मरने के पश्चात उनके उनको क्या करते, उसमें दफन किया जाता था पिरामिड में। तो उसी से हम रिलेट करके इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, किसको, इकोलॉजिकल पिरामिड को, उससे रिलेट करके, उससे संबंधित करके आप इसको समझ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो उत्पादक होते हैं और विभिन्न उपभोक्ताएं होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो डिफरेंट लेवल्स के जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके बीच जो संबंध होता है, उनके रिलेशन होता है, भार से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीव भार का पिरामिड में, बायोमास पिरामिड में, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि जो उसमें उत्पादक क्या करते हैं, जो उत्पादक होते हैं मीन्स पौधे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में जैसे आप पता होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और संग्रह करते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, प्राथमिक उत्पादन होता है। तो बेसिकली जो पौधे होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या होता है, सम्मिलित रूप से इनका रूप ही जीव भार कहलाता है। अब इनके जीव भार को दूसरे पोषक स्तर, दूसरे ट्रॉफिक लेवल का भी जीव भार ज्ञात किया जा सकता है। अब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर को कितना भोजन मिल रहा है, कितना ऊर्जा मिल रहा है, कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, इसको आप जीव भार की पिरामिड से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कितना ऊर्जा उसको मिल रहा है, कितना भोजन उसको उपलब्ध कराता है, उसको जीव संख्या के पिरामिड के साथ साथ जीव भार के पिरामिड में भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं जंगल के पिरामिड से। और जो जीव भार का पिरामिड होता है, जो बायोमास पिरामिड होता है, वो क्या होता है, दोनों बन सकते हैं, एक तो सीधा भी बन सकता है और आपका ये उल्टा भी बन सकता है। तो हम देखते हैं कि किसका सीधा बनेगा और किसका उल्टा बनेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे जंगल के पिरामिड से। तो जंगल का पिरामिड क्या बनेगा, आपको दिखाई दे रहे होंगे जो उत्पादक हमारे क्या हैं, पेड़ हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो हमारे उत्पादक क्या है, जंगल के पिरामिड में पेड़ हैं।
तो पेड़ की संख्या भी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उनका जो मास है मतलब कि उनका जो वेट है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इनको जो खा रहे हैं, ठीक है, जो प्राथमिक इसके उपभोक्ता हैं, ठीक है, प्राइमरी इसके कंज्यूमर हैं, वो हो गए, उसमें आने वाली गिलहरी हो गई, ठीक है, उनके पक्षी हो गए, कुछ कीड़े हो गए, तो वो क्या उनके प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उनका वेट क्या होगा, इनसे कम होगा, इनकी संख्या भी इनसे कम होगी। अब इनको जो खा रहे हैं, ठीक है, जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, उनकी संख्या भी कम होगी और क्या होगा, उनकी जो वेट होगा, उनका वेट जो मास होगा वो भी कम होगा, ठीक है। जैसे मेढक हो गया, लोमड़ी हो गई, ठीक है, इनको जो ग्रहण कर रहे हैं, इनको जो भोग कर रहे हैं। अब लास्ट देखते हैं, मान लो कोई शेर हो गया, भालू हो गया, ये क्या हो गए, ये उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हो गए, ये इनको कंज्यूम कर लेंगे तो लास्ट कंज्यूमर हो जाएंगे, तो इनकी संख्या भी कम होगी, इनका वेट भी कम होगा। तो बेसिकली आपको इसमें देखने क्या मिल रहा है कि अगर उत्पादक हैं तो उनकी संख्या के साथ साथ उनका भार भी बढ़ेगा। जैसे पौधे हैं तो पौधे का माना कि ये जो है वो एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि इनका वेट इतना है, ठीक है। तो क्या है, मान लो 15,000 kg 15,000 kg है ये उत्पादकों प्रोड्यूसर जो पेड़ हैं, जंगल के पेड़ हैं, उनका प्रोड्यूसर का वेट कितना है, 15,000 kg। अब इनको जो खाएंगे, ठीक है, इनको प्राइमरी जो कंज्यूम करेंगे उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, प्लस क्या होगा, उनको खाने वाला जो वेट है उनको भी कम होगा, तो क्या होगा, इनका 1500 kg हो गया, ठीक है, 1500 kg हो गया। अब इसको जो कंज्यूम करेंगे, जो द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे वो उनको ग्रहण करें, उनका वेट कम हो गया, उनका नंबर कम हो गया, तो कितना हुआ, 150 kg हो गया। एट लास्ट क्या होगा, कंज्यूम करा जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसका क्या हुआ, एक दो होंगे, ठीक है, वो उसको कंज्यूम करेंगे, क्या हुआ, 15 kg हो गया। तो धीरे धीरे से आपको क्या पता चल रहा है, जो उसका आधार होता है, वो बेस होता है, वहाँ जो जैव भार होता है, ठीक है, वो क्या है, वो ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो कहाँ आएंगे, पिरामिड के आधार पर आएंगे। और धीरे धीरे जैसे ये संख्या कम हो रही है तो क्या देखने को आपको मिल रहा है कि धीरे धीरे जैसे संख्या कम हो रही है, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका वेट भी कम होते जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसके क्या, वो क्या होता है, पिरामिड में उसके शीर्ष बिंदु पर आ जाएंगे, जैसे जैसे उसके जो वेट है, जो मास है, वो धीरे धीरे कम होंगे, तो क्या होगा उसका, वो उसके शीर्ष बिंदु पर आ जाएंगे पिरामिड के। तो जंगल का पिरामिड क्या शो कर रहा है, आपको नंबर्स के साथ उसका जो वेट है वो डिक्रीज हो रहा है और एंड पॉइंट में पहुंच जा रहा है। जैसे 15,000 kg था प्रोड्यूसर का, उत्पादक का, धीरे वो 1500 kg हो गया, धीरे से वो 150 kg हो गया, और 15 kg, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, जंगल का पिरामिड, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे जलीय तंत्र का पिरामिड, तो ये कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि जो शैवाल रहेंगे, जो ग्रीन प्लांट्स रहेंगे, उसमें उसकी संख्या तो ज़्यादा होगी, ठीक है, लार्ज इन नंबर्स, बट क्या उनका वेट कम रहेगा, तो क्या हो गया, वेट कम होने से उनकी जो मास है वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो उनको कंज्यूम करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता होंगी, उनकी संख्या तो कम है, ठीक है, उनकी संख्या इन शैवालों से कम है, पर उनका वेट उनसे ज़्यादा है, ठीक है, जो इसमें यहाँ शो हो रहा होगा। ये जो भी वेट्स है उसको सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, प्रॉपर ये नहीं आपको बताया जा रहा कि इतना ही वेट है, ठीक है। उसके बाद जो ये प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो उपभोग कर रहे हैं, उनकी संख्या भी कम रहेगी, बट क्या होगा, वो उनका जो वेट है उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो किसी कीड़े को या फिर जो इंसेक्ट को, जो इन शैवालों को, जिन प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है, उनके बाद उनको जो छोटी मछलियाँ खा रही, उनका वेट तो ज़्यादा होगा, ठीक है, भले वो नंबर्स में कम है, ठीक है। उसके बाद जो उनको बड़ी मछली खाएंगी, छोटी मछली को जो बड़ी मछली खाएंगी, जो लास्ट के उपभोक्ता, लास्ट कंज्यूमर्स होंगे, उनकी संख्या कम होगी समुद्र में या फिर जलीय तंत्र में, पर उनका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप इसको अपोजिट देख सकते हैं, जैसे कि हमने जंगल का पिरामिड देखा था, उसमें क्या देखा था कि जैसे जैसे नंबर्स कम हो रहे थे, वैसी वैसी उनका जो वेट था, जो बायोमास था, वो भी कम हो रहा था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जंगल है, जंगल में अगर पेड़ हैं तो पेड़ की संख्या भी ज़्यादा है, तो उनका क्या, वेट भी ज़्यादा हुआ। उसके बाद जो उनको कंज्यूम किए, तो उनकी संख्या भी कम थी, तो उनका वेट भी कम हुआ। उसके बाद जो उनको कंज्यूम किए, उनकी भी संख्या उनसे कम थी, वेट भी कम हुआ। एट लास्ट भी संख्या, जो नंबर, वो भी कम हुआ और वेट। तो ये इसका पिरामिड मैंने जैसे बताया, इसका सीधा बनेगा। इसका जस्ट अपोजिट हम देख रहे थे जलीय तंत्र का पिरामिड, उसमें क्या हुआ,
जो शैवाल है उनकी संख्या ज़्यादा है पर उनका वेट कम है, तो क्या हो रहा है इसमें जो नंबर्स है वो तो कम होते जा रहे हैं पर जो उनका वेट है बढ़ते जा रहा है, तो ये उल्टा पिरामिड बनता है हमारे जलीय तंत्र का। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स देके, दो उदाहरण देके मैंने आपको जीव भार का पिरामिड समझाया है। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं कि जीव भार का पिरामिड आखिर होता क्या है, बायोमास पिरामिड आखिर होता क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया उपभोक्ता और विभिन्न उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ताओं मीन्स प्रोड्यूसर और डिफरेंट जो लेवल के ट्रॉफिक लेवल्स के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बीच वेट भार के संबंध में या फिर सकल पूरे भार को जो चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के रूप में शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं जीव भार का पिरामिड। ठीक है, उसमें आपको शो होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर कितना भोजन जा रहा है, कितनी ऊर्जा जा रही है। ठीक है, ये आपको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए हैं, जंगल का पिरामिड और जलीय तंत्र का पिरामिड। ठीक है, किसका उल्टा बनेगा किसका सीधा बनेगा वो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, कि किसका नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, किसका नंबर डिक्रीज हो रहा है, किसका वेट इंक्रीज हो रहा है, किसका वेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा जीव भार का पिरामिड। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।